यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का आज बिहार दौरा, शहर में लगे पोस्टर्स में योगी को दिखाया गया बाहुबली का अवतार। योगी के दौरे के एक दिन पहले दरभंगा में थे नीतीश कुमार, गौरक्षा के नाम पर लोगों को भड़काने वाले नेता से बचने की सलाह। आज यूपी को गड्ढा मुक्त करने की डेडलाइन का आखिरी दिन, आज तक के रियलिटी टेस्ट में कई शहरों में सड़कों पर दिखे गड्ढे। पीलीभीत की सड़कों के गड्ढों पर सिंचाई मंत्री बलदेव सिंह, औलख की सफाई नवीनीकरण का बजट मंजूर, इसलिए नहीं भरे गए गड्ढे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में गड्ढों पर दिया जवाब, 1,21,000 किलोमीटर की सड़कों पर गड्ढे, पिछली सरकार ने खाली छोड़ा था खजाना। बिहार में 12वीं के नतीजों पर आज तक टेस्टिंग में बड़ा खुलासा, कॉपियों की चेकिंग में भारी गड़बड़ी। आज तक के सीक्रेट कैमरे पर करीब 17 प्रोफेसर और टीचर्स ने बताई असलियत, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स ने चेक की कॉपी। खराब रिजल्ट को लेकर बिहार बोर्ड के खिलाफ लगातार प्रदर्शन, सड़क जाम कर रहे छात्रों से पुलिस की झड़प। मंदसौर फायरिंग की आज दिल्ली तक पहुंची, आज जंतर मंतर पर किसान संगठनों का धरना। मध्य प्रदेश में किसानों पर सियासत जारी, भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं 72 घंटे का सत्याग्रह। बालाघाट में कार्यक्रम में किसानों को लेकर आपस में भिड़े शिवराज के कृषि मंत्री और बीजेपी के सांसद, एक दूसरे पर लगाया आरोप। चोर धंधा चलाओगे और ऊपर झंपाओ दिखाओ, चलो इधर। मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में किसान आंदोलन की चिंगारी, जयपुर में कर्ज माफी के लिए किसानों का विरोध। छत्तीसगढ़ में किसानों और सरकार के बीच तनातनी बढ़ी, आज 10 लाख से ज्यादा किसानों ने सड़क पर उतरने की कर रखी है तैयारी, हाईवे जाम करने और रेल रोकने का भी इरादा। किसानों के आक्रोश के बीच मोदी सरकार का मरहम, 3 लाख तक के लोन पर 5% तक की ब्याज माफी। एलओसी पर पाकिस्तानी फौज को फिर भारत ने पिलाया पानी, पुंछ और राजौरी में बुधवार को सीज फायर उल्लंघन के जवाब में भारतीय कार्रवाई में 2 पाक जवान ढेर। 23 जून को बीजेपी कर सकती है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार के नाम का ऐलान, कल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में चर्चा। राष्ट्रपति उम्मीदवार पर आम सहमति बनाने के लिए शुक्रवार को दिल्ली में एक नए विवाद में फंसी आम आदमी पार्टी, दफ्तर खाली नहीं करने पर दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी ने ही थमाया करीब 28 लाख का नोटिस। कुमार विश्वास पर टिप्पणी की वजह से निलंबित नेता अमानतुल्ला खान का बयान, उनकी इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे केजरीवाल। लाल बत्ती बंद किए जाने के बावजूद यूपी में नेताओं का वीआईपी कल्चर से मुंह नहीं छूटा, योगी सरकार के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान राज्य मंत्री रणवेंद्र सिंह के काफिले में हुटर। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र के शुरुआत के पहले दिन कल सदन में हंगामा, पंजाब के पूर्व डीजीपी केपीएस गिल को श्रद्धांजलि देने पर विवाद। ओडिशा के तीतलगढ़ में बीजेडी कार्यकर्ताओं का हंगामा, पुलिस पर लाठी और तलवारों से हमला। यूपी के चंदौली में हल्दी के एक गोदाम पर छापेमारी, हल्दी को रंगने के खेल का पर्दाफाश। वाराणसी में छत से गिरा युवक हाईटेंशन तार पर 45 मिनट तक अटकने के बाद भी जिंदा बचा, फायर सर्विस वालों ने युवक को उतार कर अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के मुरादाबाद में नकली नोटों के साथ पकड़े गए 2 लोग, 500 और 100 के नकली नोट वाले 15,000 रुपए जब्त। मुरादाबाद में पुलिस चेकिंग के दौरान एक गाड़ी में मिले 38 लाख रुपए, 3 लोग गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में दुल्हन का रंग देखकर दूल्हे ने शादी से किया इनकार, घरवालों का हंगामा, पैदल भागे बाराती। दिल्ली के मयूर विहार में चलती कार में लगी आग, कार सवार सुरक्षित निकलने में कामयाब। गंगा के उद्गम गोमुख से जुड़े गंगोत्री नेशनल पार्क में आग से अफरा तफरी, तेज हवा से फैली लपटे। नेपाल के रास्ते चीन को हिरण के सींगों की तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़, 6 सींग के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में लड़की को जिंदा जलाने की साजिश, इलाज के दौरान लड़की की मौत, पुलिस के मुताबिक बदला लेने के लिए रची साजिश। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल की दवाइयों में बिक रही खुले बाजार में जांच के लिए बनी 3 सदस्यों की कमेटी।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लोकायुक्त के रिटायर्ड टीआई ने की खुदकुशी। परिवार ने पीएचडी इंजीनियर रामकिशोर शुक्ला पर लगाया परेशान करने का आरोप। गुरदासपुर की तरफ से नाभा जेल ब्रेक मामले में दो गिरफ्तारी। अकाली दल के सरपंच की गाड़ी में भागा था विकी गौंडर का साथी। प्री मानसून की बरसात में बेहाल हुआ नासिक, सड़कों पर भरा 2 फीट पानी। करीब 2 घंटे तक जमकर बरसा पानी, बाजार की सड़कों पर बहने लगी गाड़ियां। बीती रात मुंबई के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, फिसलने की वजह से एक ऑटो हादसे का शिकार। मणिपुर में बाढ़ और बारिश से 400 घर डूबे, लगातार 2 दिनों की बरसात से नदियों में उफान। असम में भारी बारिश से बर्बादी, गुवाहाटी के कई इलाकों में भरा पानी। अयोध्या में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने किया रोजा इफ्तार का आयोजन, आरएसएस के नेता भी शामिल। दिल्ली के हौज खास विलेज में दिल्ली पुलिस एनएसजी कमांडो की मॉक ड्रिल, आतंकी हमले से निपटने की ट्रेनिंग। बैंगलोर में 13 साल की एक लड़की ने बनाया योग का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1 मिनट में 15 बार योगासन। योग गुरु रामदेव पहुंचे दिल्ली के अखाड़े में, सुशील कुमार के साथ मिलकर खिलाड़ियों को बताया पहलवानी के गुर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आदिवासी महिला ने लकड़ी बेचकर बेटे को पढ़ाया, बेटे ने आईआईटी परीक्षा में हासिल की कामयाबी। आज फाइनल के टिकट के लिए इंग्लैंड के एस्बेस्टन में दूसरा सेमीफाइनल, बांग्लादेश से होगी टीम इंडिया की टक्कर। सेमीफाइनल मुकाबले से पहले कप्तान विराट कोहली ने भरी हुंकार, कहा हम विरोधी टीम के बारे में नहीं सोचते। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुका है पाकिस्तान, कल सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 8 विकेट से दी मात। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम 211 पर ढेर, पाकिस्तान ने 13 ओवर रहते जीता मैच, 3 विकेट लेने वाले हसन अली बने मैन ऑफ द मैच। पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल पहुंचने पर पाकिस्तान में जश्न, इस्लामाबाद में ईद जैसी रौनक।